तो आज हम लोग जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नीमक फिनोमिनन। ठीक, नीमक फिनोमिनन की जब हम बात करते हैं, देखें आप, नीमक फिनोमिनन, नीमक एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने नीमक फिनोमिनन के बारे में बताया था। और नीमक फिनोमिनन का एक नाम और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन एम्ब्रियो सैक। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है कि आमतौर पर जब हम लोग एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं, एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट दरअसल एक मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, इसमें जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के बाद चार मेगास्पोर्स बनते हैं। चार मेगास्पोर्स में से तीन डिजनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, और ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के बनाता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो यहां पर इतनी बात तो आप लोगों ने खूब पढ़ी होगी, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट आपने स्टडी किया था पॉलीगोनियम में। ठीक, मोनोस्पोरिक होता है, एक स्पोर से बन रहा है तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। ये सेवन सेल एट न्यूक्लिएट होता है, सेवन सेल एट न्यूक्लिएट। अगर हम इसको बनाएं तो आपने देखा होगा कि तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं, देखा होगा आपने तीन एंटीपोडल सेल्स। ठीक, दो सिनर्जिक्स और एक एग, और फिर इस पूरे को मिला के बोलते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस। एक इस पोल से और एक इस पोल से सेंट्रल न्यूक्लियाई बनाते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ये एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है। समझना क्या है आपको, समझना ये है कि ये जो नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है इसका निर्माण किससे हुआ है, किससे बना है, मेगास्पोर्स। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का निर्माण किससे हुआ, मेगास्पोर्स। और नीमक फिनोमिना का दूसरा नाम क्या है, पॉलन एम्ब्रियो सैक। हम अगर जैसे यहां पर हमने ये बनाया है मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, अब देखिए हम यहां पर बनाते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल कैसी है, ये डिप्लॉयड, सेम वही तरीका है, मियोसिस होगी। ठीक, मियोसिस होगी तो बनेंगे चार माइक्रोस्पोर या जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलन या पॉलन ग्रेन। ठीक, चार माइक्रोस्पोर या पॉलन जो बने, यहां पर चार मेगास्पोर बनते हैं जिनमें से तीन मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाते हैं, लेकिन यहां पर चार माइक्रोस्पोर या पॉलन बने उनमें से चार के चारों जीवित रहेंगे। लेकिन एक बार हमने बताया था कि एक प्लांट ऐसा, एक फैमिली ऐसी है जहां पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद एक ही माइक्रोस्पोर बनता है, वो फैमिली कौन सी है, जोर से बोलो, अगर आप बता देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, आपको तसल्ली मिलेगी, हमें शांति मिल जाएगी। साइपरेसी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया।
ठीक। खैर वो मुद्दा नहीं है आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो चार माइक्रोस्पोर या पॉलिन बने, ये पॉलिन ग्रेन क्या इस एम्ब्रियो सैक को बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि एम्ब्रियो सैक बनाने का काम किसका है? मेगास्पोर का। अगर एक पॉलिन बड़ा हो जाए, स्पोर वॉल के बाहर आ जाए, उसमें तीन माइटोसिस हो जाए। देखो गौर से, एक पॉलिन ग्रेन ठीक, इसमें माइटोसिस कितनी हो गई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन माइटोसिस हो गई। और न्यूक्लियस कितने बन गए? आठ। ये जो एक माइक्रोस्पोर या एक पॉलिन है, ये हैप्लॉइड है, इसमें माइटोसिस कितनी हुई? तीन बार, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। और वो आठ के आठों माइक्रोस्पोर कैसे अरेंज हो गए? वो ऐसे अरेंज हो गए, और क्या बना लिया? एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो सैक और इस एम्ब्रियो सैक में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? ये एम्ब्रियो सैक मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक है, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है, जो होता है, जो होना चाहिए। और ये एम्ब्रियो सैक, ये पॉलिन एम्ब्रियो सैक है। तो सर पॉलिन सैक क्यों नहीं कहते? ये पॉलिन एम्ब्रियो सैक है, पॉलिन से डेवलप होने वाला एम्ब्रियो सैक। किसने देखा था? निमिक ने। कौन से प्लांट? उस प्लांट का नाम है हाइसिंथस ये लिलियेसी में पहले इसको बोलते थे। ये जो प्लांट है हाइसिंथस ओरिएंटेलिस, ठीक, एस्परेगेसी फैमिली का प्लांट है। आपको फैमिली का नाम ना भी लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाइसिंथस ओरिएंटेलिस, इस प्लांट में देखा गया। देखा किसने? नीमिक ने। और कब देखा था? 1898 में। अब आप देख लीजिए कि 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में अपना उद्बोधन देने के लिए गए थे। हम लोग अध्यात्म की दृष्टि से बहुत आगे थे, आगे हैं। और नीमिक क्या कर रहे थे? पॉलिन एम्ब्रियो सैक की खोज कर रहे थे, उसके पांच साल बाद 1898 में, ठीक है। तो ये जब ये देखा गया तो उन्होंने कहा कि ये एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक और इस एम्ब्रियो सैक में क्या फर्क है? ये मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक है, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये नीमिक ने देखा, हाइसिंथस में देखा, और उन्होंने देखा कि ये जो एम्ब्रियो सैक है ये बिल्कुल स्पेशल एम्ब्रियो सैक है। लेकिन इतना देर के वो शांत हो गए। इसी फिनोमेनन को नीमिक के बाद डी मोल ने भी देखा, हालांकि उन्होंने इसी प्लांट में देखा। यानी कि डी मोल ने भी कंफर्म किया, उन्होंने भी कहा कि ना, हाँ ये 1923 की बात है, उन्होंने कहा कि ये होते पॉलिन एम्ब्रियो सैक। अब एक आदमी बता रहा है कि पॉलिन एम्ब्रियो सैक बनते हैं, दूसरा भी कंफर्म कर रहा है कि बनते हैं, ठीक। तीसरा क्या काम कर रहा है ये समझने की बात है। तीसरा आदमी क्या काम कर रहा है? तीसरे आदमी ने क्या काम किया? मैं चाह रहा हूं कि यही बना दूं। तीसरे आदमी ने, जो तीसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप इसका? स्टो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि अगर हम इस पॉलिन एम्ब्रियो सैक को किसमें रख दें, अगार मीडियम में, अगर अगर का नाम सुना है? अगर अगर किस एल्गी से प्राप्त होता है, कौन बताएगा? उस रेड एल्गी का नाम बताओ। पॉलिसाइफोनिया रेड एल्गा है,
लेकिन अगर अगर किस रेड एल्गी से प्राप्त होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेरिडियम ग्रिसलेरिया गाइगाइडेना थ्री की बोलते हैं इसको। खैर, जब अगर मीडियम में इस एम्ब्रियो सैक को रखा गया और इसके बगल में क्या रखा गया, नॉर्मल पॉलिन, ध्यान से देखना, एक नॉर्मल पॉलिन है, ठीक, और नॉर्मल पॉलिन का काम क्या होता है कि ये जब स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है तो क्या बनाता है, पॉलिन ट्यूब, और पॉलिन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, मेल, दो मेल गैमिट्स, ये तो होते हैं दो मेल गैमिट्स। ये जो नॉर्मल पॉलिन है इसमें डिवीजन होगा, दो सेल लगेंगी, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या है, एक टाइप का एक गाइडेंस देता है पॉलिन ट्यूब को, और जनरेटिव सेल बनाते हैं दो मेल गैमिट्स। तो अगर आप इस पॉलिन ट्यूब को देखोगे तो पॉलिन ट्यूब को समझ लीजिए आप ई रिक्शा, वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल को आप समझ लीजिए ई रिक्शा का ड्राइवर, और उस ई रिक्शा यानी पॉलिन ट्यूब में बैठे हुए जो दो सवारी है वो दोनों मेल गैमिट, और कहां जा रहे हैं, ओव्यूल के अंदर, एग के पास, क्योंकि वहां डबल फर्टिलाइजेशन होना है। कि ये बात तो समझ में आ रही है क्योंकि ये मेगा स्पोर का एम्ब्रियोसाइट है। स्टोन ने क्या देखा, इन्होंने ये कहा कि कमाल है, कमाल क्या है, कमाल ये नहीं शीशे के हैं बदन अपने, कमाल ये है कि हम पत्थरों में रहते हैं, और वो ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की के, वो ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की के, उसे बताओ कि हम झोपड़ों में रहते हैं। ये बदायूं के हसीब सोस का शेर है। बहरहाल ये पॉलन और ये एम्ब्रियोसैक कौन सा है, इसने एक टेस्ट ट्यूब बना दी, एक सॉरी टेस्ट ट्यूब कह रहा हूं, पॉलन ट्यूब बना दी, और ये पॉलन ट्यूब कहां आ गई, ये कमाल है। कमाल ये नहीं है कि एक एम्ब्रियो सैक बना जो दरअसल पॉलन से बना है, जो एम्ब्रियो सैक जैसा स्ट्रक्चर इसने बना लिया, ये कमाल नहीं है, बन सकता है। कमाल ये है कि जो अगार मीडियम में इसको रखा गया और साथ में रखा गया नॉर्मल पॉलन, तो ये पॉलन ने पॉलन ट्यूब बना दी, इसके जो दोनों मेल गैमेट बने वो चल दिए, ये कमाल है। ये किसने बताया, फिनोमिनन डिस्कवर किसने किया, कंफर्म किसने किया, और ये अगर मीडियम की ये जो बात थी किसने बताया, ये कमाल है। तो नियमित फिनोमिना ये कहता है कि ये पॉलिन एम्ब्रियो सैक है, और इसका डिस्कशन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी बात ये भोजवानी भटनागर की जो किताब है उसमें से बता रहा हूं, ये वहां से स्टडी किया गया। सवाल ये नहीं है कि पॉलिन से एम्ब्रियो सैक बना, सवाल यह है कि अगर मीडियम में नॉर्मल पॉलिन ने पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ इसकी तरफ करना शुरू कर दी, ये कमाल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नीमिक फिनोमिनन, और ये बहुत पूछा जाता है कंपटीशंस में, बहुत पूछा जाता है पॉलिन एम्ब्रियो सैक का नाम याद रखना, और ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है नीमिक फिनोमिनन, ठीक। तो ये आज का ज्ञान आपके लिए।